इन ए सिंपल एटूड मशीन टू ऑन इक्वल मासेस एम वन एम टू आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए क्लैम्प लाइट स्मूथ पुली इन ए टाइपिकल अरेंजमेंट गिवन इन द फिगर मास गिवेन 300 ग्राम एंड 600 ग्राम द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट टू सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लास्ट वन इज फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द पुली तो पहले देखो यहाँ पे जो M2 है आपका 600 ग्राम तो ये होगा आपका 0.6 केजी M1 हो गया आपका 0.3 केजी तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सारे फोर्स जो फोर्स लगेगा M2 के ऊपर नीचे की तरफ वो हो गया आपका 0.6 जी टेंशन होगा ऊपर की तरफ सिमिलरली यहाँ पे 0.3 जी डाउनवर्ड टेंशन होगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे जो पुली है पुली के ऊपर टेंशन लगेगा बोथ साइड टी तो अब देखो इफ आई राइट नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए फॉर एम टू एंड एम वन अच्छा लेट एज्यूम एम टू इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड अगर एम टू नीचे की तरफ मूव होगा विथ एक्सेलरेशन ए तो एम वन ऊपर की तरफ मूव होगा विथ सम सेम एक्सेलरेशन ए तो लिखो अभी नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए फॉर एम टू एंड एम वन तो एम टू में नेट फोर्स डाउनवर्ड फोर्स है 0.6 जी अपवर्ड फोर्स टेंशन टी इज इक्वल टू 0.6 ए सिमिलरली अगर मैं एम वन के लिए लिखूं तो ऊपर की तरफ फोर्स हो गया टेंशन टी डाउनवर्ड फोर्स होगा 0.3 जी इज इक्वल टू 0.3 ए तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो अगर ऐड करोगे तो टेंशन यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 0.6 जी माइनस 0.3 इस 0.3 जी इज इक्वल टू 0.9 ए तो ये होगा आपका 3 जी इज इक्वल टू 9 ए सो ए इज इक्वल टू जी बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज ए फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एम वन इन फर्स्ट टू सेकेंड अच्छा इनिशियल तो ये रेस्ट में है अगर इनिशियल रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी होगी आपका जीरो तो एस इज इक्वल टू क्या लिखोगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और यू है जीरो तो सिंपली लिख दो हाफ ए टी स्क्वेयर तो हाफ एक्सेलरेशन जी बाय 3 टी स्क्वेयर दैट इज 2 स्क्वेयर टाइम गिवन इट 2 तो 2 यहां पे कैंसिल हो गया ये बचा आपका 2 जी बाय 3 ओके अगर आप यहां पे जी का वैल्यू पुट करोगे 9.8 तो ये हो गया आपका 2 इंटू 9.8 by 3 तो दिस वन इज नियरली इक्वल टू 6.53 मीटर अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्या है आपका सेकेंड चाहिए आपको टेंशन अच्छा इस इक्वेशन से देखो ये जो इक्वेशन है यहां से मैं लिख सकता हूँ टेंशन इज इक्वल टू 0.3 जी प्लस 0.3 ए तो ये हो गया आपका 0.3 जी प्लस ए जी हो गया आपका 9.8 प्लस एक्सेलरेशन 9.8 डिवाइडेड बाय 3 तो इसको अगर सॉल्व करोगे 3 4 सो दिस वन इज योर 4 बाय 10 इनटू 9.8 तो ये हो गया आपका 9.8 सो 2/5 इंटू 9 इंटू 8 9.8 तो सॉल्व कर दो इसे तो ये होगा आपका 3.92 न्यूटन 4/10 इंटू 9.8 दिस वन इज योर 3.92 न्यूटन अब देखो थर्ड वन है आपका फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली तो यहाँ पे देखो क्लैंप पुली के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा होगा मतलब अगर ऑब्वियसली ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा अगर ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो इसके ऊपर नीचे फोर्स क्या है आपका 2t तो यहाँ पे क्या बोलोगे फोर्स इज इक्वल टू 2t योर लास्ट वन इज फोर्स इट इज फोर्स ऑन पुली ड्यू टू क्लैंप और फोर्स ऑन क्लैंप ड्यू टू पुली जो अभी बोल सकते हो वो है आपका 2t दैट इज 2 इंटू टेंशन है आपका 3.92
3.92, तो ये हो जाएगा आपका 7.84 न्यूटन।